मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह, डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं भूषण कविवर भूषण द्वारा रचित शीर्षक कविता कवि छंद के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो ब्रह्मी कक्षा दिगंत भाग दू से मैं लिया हूँ। आइए हमारे कविवर भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। वीर रस की प्रधानता इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। वीर इस कविता में हमारे वीर शिवाजी का जो कवित छंद है, तो वीर शिवाजी किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे इनकी महानता की उपाधि हमारे भूषण कवि कर रहे हैं, कि कौन कौन उपाधि उपमा देते हुए बता रहे हैं कि किस किस क्षेत्र में कौन भारी पड़ता है, कौन महान पड़ता है। तो वीर हमारे शिवाजी भी किस क्षेत्र में महान है, किस क्षेत्र में किस पर भारी पड़ते हैं, इस कविता में कवि छंद के माध्यम से हमारे भूषण कवि कह रहे हैं। इंद्र जीमी जंभ पर बाड़ो ज्यों अंभ पर रावण संदंभ पर रघुकुल राज हैं। कवि छंद ये बहुत ही मार्मिक छंद है। हमारे जिस तरह से सवैया है, रोला है, सोठा है, दोहा है, तो उसी तरह कवित छंद भी तो बता रहे हैं कि इंद्र जीमी जंभ पर माने किस तरह से इंद्र जंभ यमराज पर भारी पड़ते हैं। जिस तरह से इंद्र जमराज पर भारी पड़ते हैं, उसी तरह से बाड़ो बड़वा अनल जो अग्नि बड़वा अनल में जो कि अपने आप अग्नि पैदा होती है, जल के अंदर भी भूचाल है, तो उसी तरह से उपमा दे रहे हैं कि बाड़ो जो अम पर माने बड़वा अनल कि जो आग है वह जल पर भारी पड़ता है। ध्यान देना है कि इंद्र जिस तरह जमराज पर भारी पड़ते हैं, उसी तरह से बड़वानल अम जल पर भारी पड़ता है। और रावण संदम पर, रावण उस घमंडी रावण जो था स्वाभिमानी अहंकारी, तो उसी रावण पर रघुकुल राज हैं माने प्रभु श्री राम, उस पर भारी पड़ते हैं। किस पर? हाँ, माने रावण पर भारी राम पड़ते हैं। रावण संदंभ पर रघुकुल राज हैं माने रघु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए रघुकुल शब्द आया है। मेरे प्यारे बच्चों, जरूर समझिएगा कि रावण संदंभ पर रघुकुल राज हैं माने उस घमंडी अहंकारी रावण पर राम भारी पड़ते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि इंद्र जिस तरह जमराज पर भारी पड़ते हैं, बड़वानल जल पर भारी पड़ता है, तो रुस घमंडी अहंकारी रावण पर राम भारी पड़ते हैं। पौन बारी बाह पर और शंभु रति नाह पर, ध्यान देना है, पौन हवा, वारी वाह जल बादल, वारी को देने वाला, तो पौन माने हवा, जिस तरह हवा पौन वारी बाह पर हवा बादल पर भारी पड़ता है, उसी तरह शंभुरति नाह पर पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव की कहानी मिलती है, उतना हमें लंबा जाने की जरूरी नहीं है। तो शंभु माने शिव शंकर,
माने शंभू रतिना पर भारी पड़ते हैं, कामदेव जिसे कहा जाता है। तो कामदेव का क्षण विनाश करने वाले हमारे शिव शंकर हैं। तो ये जिस तरह से पवन बादल पर भारी, पवन हवा भारी पड़ता है, पवन की झोंक जिधर चाहे उधर हवा को, जो बादल को बदल दे अपने बेगों से, अपने प्रवाह से। तो जिस तरह पवन हवा बादल पर भारी पड़ते हैं, उसी तरह से शिव शंकर उस कामदेव पर भारी पड़ते हैं। जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज हैं, एक सहस्त्र बाहु जो राक्षस था जिसका भगवान ने उसका वध कर दिया था, तो उसी तरह से जिस तरह सहस्त्र बाहु पर परशुराम भारी पड़ते हैं, तो ध्यान लेना है यहां पर उपमा अलंकार एक का एक से दूसरे। तो जिस तरह परशुराम पर सहस्त्र बाहु जो था, उस पर सहस्त्र बाहु पर भारी कौन पड़ते हैं? परशुराम भारी पड़ते हैं और राम द्विजराज हैं। तो परशुराम पर राम भारी पड़ते हैं। कितना सुंदर मार्मिक पंक्ति को संजोया है कि सहस्त्र बाहु पर यदि परशुराम भारी पड़ते हैं तो परशुराम पर राम द्विजराज हैं, माने भगवान राम। भले ही हम जो हैं बेटा नहीं उधर कहानी बता रहे हैं, लेकिन परशुराम को भगवान श्री राम ने बड़ी कोमल और विनती में जो है पछाड़ दिए थे परशुराम को। नाथ संबोधन बंजनिहारा हो जन को एक दास तुम्हारा, ऐसी पंक्ति आई है रामायण में। तो राम भारी पड़ते हैं उस परशुराम पर, जबकि क्षत्रियों के विरोधक थे। हमारे भूषण कवि द्वारा एक कवि छन, चलिए आगे। दावा द्रुम दंड पर ध्यान देना है और चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। यहां पर हमारे ऋतकालीन प्रसिद्ध कवि भूषण बता रहे हैं कि दवानल, हाँ जानते हैं दवानल कहाँ का? जो जंगल में आग लगती है अपनी आप प्रकृति आग पैदा कर देती है। तो ध्यान देना है कि दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर और भूषण वितुंड पर जैसे वितुंड हाथी होता है। दवानल जो जंगल की आग पेड़ों पर भारी पड़ती है, ध्यान देना है जंगल को तितर बितर करके अग्नि पैदा करके पूरे द्रुम शाखाएं पूरे जंगल में आग लगा देती है। दावायनल दावा द्रुम दंड पर और चीता मृग झुंड पर, और चीता चीता जो बाघ की प्रजाति का है, तो चीता किस पर? किसी भी हिरण के झुंड पर जहां भी है दबोच उठता है। माने चीता जैसी बाघ का प्रजाति का रूप है, वह क्या करता है कि वह झुंड मृगों का हिरण का जहां झुंड है उस पर भारी पड़ता है, उसको छिन्न भिन्न करते हुए किसी को जरूर पकड़कर दबोच लेता है चीता। तो उसी तरह से ए जो भी उपमा दी जा रही है किनके बारे में? वीर शिवाजी की बहादुरी के बारे में, एक एक से उपमाओं का कि कैसे वीर शिवाजी भी अपने आप में हमारे बहुत बड़ा प्रखर योद्धा हैं। तो भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं, तो भूषण कवि कह रहे हैं, यहाँ भूषण शब्द आया है तो भूषण कवि कह रहे हैं क्या कि हाथियों के झुंड पर मृगराज शेर को कहा जाता है, सिंह जो जंगल का राजा शेर होता है, कि हाथी जैसे विशालकाय जंतु को ही अपने पंजे से दबोच लेता है। तो बता रहे हैं हमारे भूषण कवि छंद के माध्यम से कि भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। तो जिस तरह हाथियों के झुंड पर मृगराज भारी पड़ता है, माने शेर भारी पड़ता है, उसी तरह से
तेज तम अंश पर कान्हजीवी कंस पर कंस अत्याचारी राजा, कान्ह माने कान्हा श्री कृष्ण और तेज माने प्रकाश और तम माने अंधकार। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, एक एक शब्दार्थ के बारे में जरूर हमारे बच्चे ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर भूषण कवि कह रहे हैं कि तेज तम अंश पर, प्रकाश किस पर भारी पड़ता है? जहाँ अंधकार हो, जहाँ अंधकार हो वहाँ पर प्रकाश भारी पड़ता है। तेज माने प्रकाश, तम माने अंधकार, तेज तेज तम अंश पर और कान्हजीमी कंस पर, प्रकाश अंधकार पर प्रकाश भारी पड़ता है। और कान्हा माने कृष्ण, माखन चोर भगवान कृष्ण के लिए आया है, तो कृष्ण किस पर भारी पड़ते हैं? तो कंस उस अत्याचारी जो राक्षस था मथुरा का राजा उस पर भारी पड़ते हैं। एक एक से उपमा का छविभूत करते हुए हमारे कवि छंद के अंतर्गत हमारे भूषण कवि एक एक उपमाओं का अवलोकन करते हुए दर्शाया है इस कवि छंद में कि कौन कौन किस क्षेत्र में भारी पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो अंतिम पंक्ति यो मृक्ष वंश पर शेर शिवराज हैं, अंतिम पंक्ति बड़ी ही मार्मिक पंक्ति उपमाओं से। तो मृक्ष माने उसी तरह से यौ मृक्ष वंश पर माने उसी तरह से मुसलमानों पर शेर शिवराज हैं, माने शिवाजी वीर शिवाजी भारी पड़ते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि मराठों के सेनापति थे शिवाजी, शिवाजी कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, औरंगजेब जैसे हस्ती को परास्त कर दिए थे। तो यहाँ पर कभी वही कह रहा है कि यो मृक्ष वंश पर शेर शिवराज हैं, माने मुसलमानों पर शेर शिवराज हैं, माने वीर शिवाजी भारी पड़ते हैं, अपनी बहादुरी का खिताब कर मुसलमानों को पछाड़ देते हैं, वैसे हैं वीर शिवाजी। दूसरे पद में हमारे कविवर भूषण जी ने छत्रसाल की बर्छी का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। छत्रसाल के बर्छी नहीं सॉरी हाँ म्यान से निकली हुई तलवार, उनकी तलवार का वर्णन कर रहे हैं। माने किस तरह से छत्रसाल की जो तलवार है म्यान से निकली हुई, क्या अपनी करिश्मा दिखाती है। इसमें पहले पद में बच्चे हम लोग पढ़े थे कि किस तरह शिवाजी के वीर बहादुरी का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है किस किस क्षेत्र में हमारे शिवाजी महान हैं। तो दूसरे पद में यहाँ पर छत्रसाल के म्यान तलवार जो है म्यान से निकली हुई कैसे तीखर अपना वार करती है, उसकी बहादुरी का वर्णन कर रहे हैं हमारे कौन हाँ भूषण। भूषण कह रहे हैं कि निकसत म्यान ते मयूखय प्रलय भानु कैसी, भानु माने सूर्य होता है बेटा, मयूखय माने किरण, म्यान तलवार, निकसत माने निकलना, माने म्यान से निकली हुई तलवार, इनकी म्यान से निकली हुई तलवार उस प्रलय काल के सूर्य की किरण की तरह वार करती है। यहां पर बहुत ही मार्मिक पंक्ति बहादुरी का खिताब देते हुए छत्रसाल के वीरता का, शौर्य वीरता का वर्णन करते हुए कवि छंद के माध्यम से हमारे भूषण कवि कह रहे हैं कि म्यान से निकली हुई तलवार प्रलय काल की सूर्य की किरण की तरह प्रखर होती है, दिखाई देती है। जिस तरह प्रलय काल का सूर्य बड़ा ही भयानक दृश्य होता है, वैसी म्यान से निकली हुई तलवार। और फारे तम तुम से गयंधन की जाल को, जिस तरह हाथियों का समूह भयंकर से भयंकर भीषण अंधेरी रात गहन रात को रौंद डालता है, तीतर बीतर कर देता है, कौन
फारे तम तोम से गयंदन की गयंदन, हाथियों का जाल समूह तम अंधेरा तोम, उसी से संबंधित बता रहे हैं हमारे भूषण कवि। कह रहे हैं कि फारे तम तोम से गयंदन की जाल, जिस तरह हाथियों का समूह भयंकर से भयंकर जो है अंधेरी रात गहन रात को ध्वंस करते हुए, जो है विध्वंस करते हुए तहस नहस करते हुए आगे बढ़ जाता है, वैसी है इनकी तलवार। अगली पंक्ति, लागती लपकी कंठ वैर इनकी नागिन सी, लागती लगती है लपक करके, जिस तरह से नागिन की उपमा दे रहे हैं, नागिन किसी को कंठ में लपट करके लपक करके जिस तरह डंट मारती है डसती है, उस तरह से तलवार इनकी है कि लागती लपकी कंठ वैरिन, अपने शत्रुओं के कंठ में जाकर नागिन के समान डसती है लपक करके। उनकी तलवार की खूबी है, कवि उपमा दे रहा है कि तलवार की लागत ही लपकी कंठ वैरिन की नागिन सी, माने नागिन के समान अपने दुश्मनों को जाकर के दंश मारती है इनकी तलवार। आइए, रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन के माल को, माने रुद्र रिझाना, लोग कहते हैं कि भगवान शिव शंकर का जब भयंकर रूप धारण करता है, तांडव करते हैं, तो पूरे तीनों लोक को हिला देते हैं, तो उनकी तलवार शिव शंकर जहाँ आया है सब रुद्र ही रिझावे, माने जिस तरह जब तांडव नृत्य करते हैं तो उसी तरह से हाँ दय दिया है रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन के माल को, तो क्षण भर में उनकी तलवार मुंडन की माला का ढेर लगा देती है, मुंडन की माला का ढेर लगा देना क्षण तुरंत। इनकी तलवार में ऐसी खूबी है कि मुड़ी पर मुड़ी मुंडन की माला का ढेर लगा देना, तितर बितर कर देना, वैसी है म्यान से निकली हुई इनकी तलवार की खूबी का परिचय दे रहे हैं, छत्रसाल की नया म्यान से निकली हुई तलवार। कह रहे हैं कि लाल छीती पाल छत्रसाल महाबाहुबली, लाल वे किसके लाल थे, लाल मन पुत्र होता है, छितिपाल छत्रसाल हाँ महाबाहुबली हैं, छितिपाल के लाल छत्रसाल महाबाहुबली, हे महान भुजा वाले बलिशाली छत्रसाल, हाँ ध्यान देना है, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, हाँ कि हे लाल छितिपाल के लाल छत्रसाल महान भुजा वाले बलशाली, कहलाऊं बखान करूं तेरी करवाल को, आपके करवाल माने तलवार होता है बेटा, ध्यान देना, करवाल कि आपका बखान वर्णन, आपका जो तलवार है उस तलवार का मैं कहां तक वर्णन करूं, कहां तक उसकी बड़ाई करूं, जितनी तलवार आपकी तिखर है। अंत में कह रहे हैं कि प्रतिभट कटक कटीले केती काटी काटी, प्रतिभट माने प्रत्येक वीर सैनिकों को उनके सेनाओं को काट, कटीले केती केती काटी माने तीखे से तीखे काट काट करके छिन्न भिन्न कर देती है, प्रत्येक वीर सैनिकों को तीखे से तीखर जो तीव्रगामी है, वैसे सैनिकों को प्रत्येक वीर योद्धा प्रत्येक योद्धाओं को काटी काटी काट कर तितर बितर कर देती है। और जानते हैं अंत में कवि कह रहा है, कालिका सी कील की कलेऊ देती काल को, जिस तरह कालिका माने लोग कहते हैं कालिका का कहीं भी फोटो देखा होगा तो अपनी चित्कारी करते हुए जीवा को निकालते हुए अपनी किलकारी करते हुए क्या करती है, सबको विध्वंस कर देती है, सबका महाकाल में अपना रूप धारण कर लेती है, उसी तरह से कालिका के समान किल की किलकारी करती हुई कलेऊ देती काल को, काल काल का तात्पर्य मृत्यु जम से है और कलेऊ का तात्पर्य नाश्ता भोजन से है, तो यहाँ कालिका के समान जो है इनकी तलवार कलेऊ देती काल को मृत्यु को ग्रास लेती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।